बहुत खुशी हुआ कि एकदम पहले आ गया था मेरा बच्चा लोगों को लेके इधर कॉम्पिटिशन के लिए। अभी मेरा वो बॉर्डर वाला का वो है ना टैलेंट स्काउटिंग देखने के लिए आया है, मैं बहुत खुशी हूँ। मैम पेरिस ओलंपिक आने वाला है अभी, आप लोग तो सब कुछ शरद कमल को दिया फ्लैग बेरर, कैसा उम्मीद कर रहे हैं? एक्चुअली इस साल तो हम पेरिस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा मेडल, पहले से मेडल ज़्यादा मिलेगा ऐसे कोशिश, मीन्स एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स। प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उधर, और ये स्लीपिंग थेरेपी के लिए और ये मेंटल एक्सपर्ट ना वो भी लेके जा रहा है एकदम स्पोर्ट्स मेडिसिन से अच्छा डॉक्टर को लेके जाए, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो इंडिया हाउस सेटिंग अप दे, फिजियोथेरापी सेंटर खाना का भी कर रहा है, सब कुछ पहले कर रहा है हमारा स्पोर्ट्समैन के लिए। मैम नॉर्थ ईस्ट और आसाम का ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए क्या सोच है आपका? आजकल बहुत अच्छा लोग बच्चा लोग आ रहा है ना, तो हमारा हिमादास के बाद बहुत लोग आ रहे हैं इधर। लवलीना भी है? हाँ लवलीना मैं देखा उसका बॉक्सिंग देखा था एशियन गेम्स में, देखिए बहुत अच्छा से किया था, मैं पर्सनली जाके देखा था उसका बॉक्सिंग उधर एशियन गेम्स में, तो अच्छा टैलेंट है लड़की लोग है इधर, लड़का लड़की लोग टैलेंट वाला ऐसा वाला टैलेंट स्पोर्टिंग बहुत कर पाएंगे। लास्ट टाइम मणिपुर से भी ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला सानू को। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे ज़्यादा मेडल भी जीतेंगे ना ओलंपिक्स में, तो स्पोर्ट्स में आ रहा है अभी। आपका कुछ सोच है नॉर्थ ईस्ट का और आगे लेके जाने के लिए? तो मैं आ रहा है ना एनकरेज करने के लिए आ रहा है मैं इधर, तो चांस मिला तो आता है जाता है इसी, तो कोई इधर से मेरा उधर आ गया तो मैं 100% ट्रेनिंग देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ थैंक यू। बहुत खुशी हुआ कि एकदम पहले आ गया था मेरा बच्चा लोगों को लेके इधर कॉम्पिटिशन के लिए, अभी मेरा वो बॉर्डर वाला का वो है ना टैलेंट स्काउटिंग देखने के लिए आया है, मैं बहुत खुशी हूँ। मैम पेरिस ओलंपिक आने वाला है अभी, आप लोग तो सब कुछ शरद कमल को दिया फ्लैग बेरर, कैसा उम्मीद कर रहे हैं? एक्चुअली इस साल तो हम पेरिस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा मेडल, पहले से मेडल ज़्यादा मिलेगा ऐसे कोशिश, मीन्स एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स। प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उधर, और ये स्लीपिंग थेरेपी के लिए और ये मेंटल एक्सपर्ट ना वो भी लेके जा रहा है एकदम स्पोर्ट्स मेडिसिन से अच्छा डॉक्टर को लेके जाए, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो इंडिया हाउस सेटिंग अप दे, फिजियोथेरापी सेंटर खाना का भी कर रहा है, सब कुछ पहले कर रहा है हमारा स्पोर्ट्समैन के लिए। मैम नॉर्थ ईस्ट और आसाम का ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए क्या सोच है आपका? आजकल बहुत अच्छा लोग बच्चा लोग आ रहा है ना, तो हमारा हिमादास के बाद बहुत लोग आ रहा है इधर। लवलीना भी है? हाँ लवलीना मैं देखा उसका बॉक्सिंग देखा था एशियन गेम्स में, देखिए बहुत अच्छा से किया था, मैं पर्सनली जाके देखा था उसका बॉक्सिंग उधर एशियन गेम्स में, तो अच्छा टैलेंट है लड़की लोग है इधर, लड़का लड़की लोग टैलेंट वाला, ऐसा वाला टैलेंट स्पोर्टिंग बहुत कर पाएंगे। लास्ट टाइम मणिपुर से भी ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला सानू को। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे ज़्यादा मेडल भी जीतेंगे ना ओलंपिक्स में, तो स्पोर्ट्स में आ रहा है अभी। आपका कुछ सोच है नॉर्थ ईस्ट का और आगे लेके जाने के लिए? तो मैं आ रहा है ना एनकरेज करने के लिए आ रहा है मैं इधर, तो चांस मिला तो आता है जाता है इसी, तो कोई इधर से मेरा उधर आ गया तो मैं 100% ट्रेनिंग देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ थैंक यू।